अरे हराओ ना बीजेपी को। अखिलेश यादव 2017 का विधानसभा का चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारे, 2022 का विधानसभा का चुनाव हारे, मैनपुरी जीते और रामपुर आजम हार गए। कैसा मैनपुरी जीते और रामपुर हार गए, कभी सोचा आपने? कोई भी टीम थी वहां पर? सोचो मेरे भाई, बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको, जज्बात से खेला जा रहा है। अरे हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार पूरे देश में बने। और अगर सच्चाई को बयान करूं तो सबसे ज्यादा वोट किसने दिया बीजेपी को 2024 में? अखिलेश यादव के यादवों ने दिया, सबने दिया। सबसे कम किसका वोट मिला तो हमारा। ये सीएसडीएस का डेटा है, मगर 2024 में अगर रोकना है तो बीजेपी को उसके आइडियोलॉजी से मुकाबला करो। नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करेंगे, जुल्म का मुकाबला जुल्म से करेंगे। अरे अहमकों की बस्तियों में रहने वालों, अंधेरे का मुकाबला रोशनी से होता है, जुल्म का मुकाबला संविधान से होता है। कमजोरों को अगर इज्जत मिलेगी तो संविधान मजबूत होगा। जो कमजोर होगा वो तुम्हारी आंखों में मजबूत होना चाहिए, जो आखिर होगा उसको सामने लाने का काम तुमको करना चाहिए, मगर तुम वो सोचते नहीं हो। तुम सिर्फ हमारे वोट की भीख मांगते हो, और जब वोट लेते हैं तो क्या कहते हैं? भाइयों बहनों, जिंदगी मौत का मामला है, जिंदगी मौत का मामला है। और जब चुनाव हो जाते हम रोज मरते हैं, रोज घर टूटता है, रोज किसी को झूठे इल्जाम में पैर पर गोली मार दी जाती है, किसी को डराया जाता है। अरे बताओ, ये कौन सी जिंदगी गुजारने पर हमको मजबूर कर रहे हो? ये अगर ये देश के 75 साल की आजादी का जश्न अमृत उत्सव मना रहे हैं तो क्या कानून की बालादस्ती रहेगी? ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा या बंदूक की गोली से चलेगा? अगर संविधान को बचाना है तो देश संविधान से चलना चाहिए।